ओम नमः शिवाय। लाइव सरल सामग्री में आपका स्वागत है। यदि आप आज के दिन जो कि बुधवार है, यदि आप बुधवार के दिन इस विधि को करते हैं तो ये बहुत ही लाभदायक होगी उन साधक साध्वियों के लिए जिन्हें धन में किसी भी प्रकार की अड़चने या आपका धन कहीं पर रुका हुआ है या कोई आपके धन को देने में आनाकानी कर रहा है। तो यदि आप इस विधि को करते हैं तो आपका जो रुका हुआ धन है वो आपको मिल जाएगा। आपने केवल इस छोटी सी विधि को करना है। ये विधि बुधवार के दिन ही बहुत ही कारगर होती है। किसी भी साधक साध्वी की जो धन संबंधी जो भी अड़चने आ रही हैं तो आप इस विधि को करें और इस विधि के करने से आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। तो इस विधि को बताने से पहले मैं सभी साधक साध्वियों को बताना चाहूँगा कि जो भी नए साधक साध्वी हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए आपकी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत सी ऐसी विधियाँ लेकर आते हैं जिससे आप स्वयं अपने हाथ से करते हैं तो आपके जो भी कष्ट होंगे वो खत्म हो जाएंगे और जो भी दुख दर्द हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो इस विधि में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। जिस भी साधक या साध्वी को इस प्रकार की समस्या आ रही है तो आप एक तार लें जो बिजली की तार होती है, क्योंकि उस तार में ये तांबा होता है। इस तांबे से हमने इस विधि को संपूर्ण करना है। ये तांबा हमारे लिए उन भक्तों के लिए बहुत ही उपयोगी है जिन्हें धन संबंधी समस्याएं आ रही हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इसकी जो ये तार है तांबे की, इसको निकाल लेना है। जैसा कि हमने ये निकाला हुआ है तो आपने ऐसे ही आपने एक तांबे की तार निकालनी है और इस तांबे की तार का आपने एक अंगूठी बना लेनी है। तो आइए कैसे, तो आपने इस तरह से अंगूठी बना लेनी है। इस अंगूठी को बनाने के बाद आपने इस अंगूठी को अपने जहाँ पर आप रहते हैं, जो आपका घर है, अपने घर की छत के ऊपर जाएं और इस अंगूठी को आपने बुधवार के दिन, जैसे कि आज बुधवार है तो आज के दिन आपने इस अंगूठी को अपने छत से, आपके घर के सामने से जो रास्ता जा रहा है, जो सड़क जा रही है, उस सड़क पर आपने इस अंगूठी को फेंकना है। और ध्यान रहे, इस विधि को आप अपने घर में कहीं पर भी बना सकते हैं और इस अंगूठी को बनाकर आप अपनी छत पर जाएं और उस रास्ते में जो आपके घर के सामने से रास्ता जा रहा हो या सड़क जा रही हो तो वहाँ पर आपने इस अंगूठी को फेंकना है। और इस विधि को कोई भी साधक साध्वी कर सकता है, इसमें कोई मंत्र कोई तंत्र नहीं है। केवल आपने इस अंगूठी को बनाना है और बनाने के बाद आपने अपने घर की छत के ऊपर जाना है। उसके बाद आपने छत पे से इस अंगूठी को उस रास्ते पर फेंक देना है। जैसे कि मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर को व्हाट्सएप पे ऐड करें और अपनी समस्या को, केवल आप अपनी समस्या को ही व्हाट्सएप मैसेज में छोड़ें। आप हाय हेलो लिखकर आप अपना समय बर्बाद करते हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक बार आपका मैसेज देखते हैं, यदि हमें लगता है कि ये तो फालतू के मैसेज कर रहे हैं तो हम उसके बाद उस मैसेज को दोबारा से नहीं देखते। तो इसीलिए आप व्हाट्सएप मैसेज पे केवल और केवल अपनी समस्या को ही व्हाट्सएप मैसेज पे छोड़ें। यदि आप फालतू की बातें नहीं लिखें, केवल आप ओम नमः शिवाय लिखकर भेजें और उसके बाद अपनी जो भी समस्या हो वो ज़रूर लिखें। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और सभी साधक साध्वी बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।